नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं खाद बीज की दुकान के लाइसेंस के बारे में, कृषि आदान के विक्रय के लाइसेंस के बारे में। बहुत से बेरोजगार साथी जो खेती के बैकग्राउंड से हैं और कृषि आदान बेचने के लिए कृषि आदान का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो साथियों, खाद बीज की दुकान में कृषि आदान या एग्री इनपुट में तीन चीजें होती हैं, जिसमें बीज, खाद और कीटनाशक होता है, और इन तीनों एग्री इनपुट का लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप बीएससी एग्रीकल्चर से हैं तो आप इन तीनों एग्री इनपुट खाद बीज और कीटनाशक का लाइसेंस ले सकते हैं। परंतु आपकी बीएससी एग्रीकल्चर से नहीं है और आपकी बीएससी जूलॉजी, बॉटनी या अन्य विषय से है, परंतु उनमें आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मतलब रसायन विज्ञान है, तो भी आप इन तीनों एग्री इनपुट के लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपके पास ये योग्यता भी नहीं है तो आप एक वर्षीय डिप्लोमा जो कि कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर आयोजित करवाए जाते हैं, तो वहाँ से आप डिप्लोमा लेकर भी इस प्रकार के तीनों एग्री इनपुट के लाइसेंस बनवा सकते हैं। खाद बीज कीटनाशक विक्रय का लाइसेंस आप ले सकते हैं। साथियों, केवल बीज का लाइसेंस आप 10वीं पास योग्यता के साथ भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व कृषि योग्यता के दस्तावेज जिसमें डिग्री आपकी हो सकती है। इन सभी दस्तावेजों के अलावा जिस स्थान पर आप दुकान खोलना चाहते हैं और वो आपकी खुद की दुकान है तो आप उसके स्वामित्व के पेपर रख सकते हैं। दुकान अगर किराए की है तो आपको किरायानामा बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। किरायानामा बनवाने के बाद आपको दुकान का नक्शा बनवाना पड़ता है, ब्लूप्रिंट आपको बनवाना पड़ता है, जिसमें दुकान का भी होता है और गोडाउन का भी होता है। साथियों, खाद बीज विक्रय के लिए लाइसेंस कृषि विभाग द्वारा बनाया जाता है, तो कुछ दस्तावेज अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के दस्तावेजों की डिमांड विभाग द्वारा की जाती है। बात करें राजस्थान की तो इन दस्तावेजों को लेकर तीनों लाइसेंस के लिए अलग अलग स्टाम्प बनाए जाते हैं। राजस्थान में ये स्टाम्प की संख्या लगभग 7 होती है, जो कि जिला कोर्ट में स्टाम्प विक्रेताओं व स्टाम्प जो टाइपिस्ट होते हैं उनके द्वारा तैयार कर दिए जाते हैं। इन सभी दस्तावेजों को कृषि विभाग द्वारा वेरीफाइड ई मित्र से ऑनलाइन करवाना पड़ता है। जो भी स्टाम्प और जो अपने पर्सनल दस्तावेज लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो या डिग्री, इन सभी दस्तावेजों को आपको ऑनलाइन करवाना पड़ता है। साथियों, इन दस्तावेज को ऑनलाइन करवाने के लिए आपको पीसी व ओ फॉर्म की आवश्यकता होती है। पीसी मतलब प्रिंसिपल सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं पीसी क्या है। आप लाइसेंस लेने के बाद जिस भी कंपनी का बीज या कीटनाशक विक्रय करेंगे तो उसके लिए आपको पीसी की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको डायरेक्ट कंपनी या उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो बड़े डीलर होते हैं, उनके माध्यम से मिल सकती है। ओ फॉर्म पीसी की तरह है। ओ फॉर्म खाद के लाइसेंस के लिए लिया जाता है। ई मित्र पर अलग अलग लाइसेंस के लिए अलग अलग चलान फीस होती है। मोस्टली सीड के लिए लगभग 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक होती है। फर्टिलाइजर के लिए 1200 से 1800 रुपये तक होती है। कीटनाशक के लिए 1500 से लेकर 2000 रुपये तक होती है। ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इन दस्तावेजों व चलान की अलग अलग लाइसेंस की फाइल बनाई जाती है और इन फाइलों को कृषि विभाग में जमा करवा दिया जाता है। वहाँ से आपको जमा रसीद मिल जाती है और दिए गए दस्तावेज व जानकारी सही होने पर आपको लगभग 20 से 25 दिन में विभाग द्वारा लाइसेंस मिल जाता है। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।